कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल? अरे आप कुशल मंगल हो या ना हो, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कम से कम तो कुशल मंगल है ही। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी कह रहे हैं। प्रणाम, हमें सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार, और वक्त है इस हफ्ते की जवाबदेही शो का। मौका भी, दस्तूर भी, और पूछने की फितूर। 50 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट बिना मतलब के लोग कहाँ बैठेगा? यहाँ पे मतलब कुछ नाच बच हो रहा है। तय तो होगा सबकी जवाबदेही। घंटा भर नहीं रुके हैं और 15 को दिया है। अरे भैया की तबीयत बहुत ही खराब है, बीते रात से उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। हम लोग के पास जो एक रिजर्व में था वो ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पे ला करके दिए हैं। अपना ऑक्सीजन दिया है ना? अपना ऑक्सीजन दिए हैं यहाँ पे हम लोग, जो हम लोग कहीं से जुगाड़ का व्यवस्था किए हुए थे। यहाँ पे सामने लाइन लगी हुई है ऑक्सीजन का। जब इनसे हमने बात किया तो इन्होंने बताया कि सुबह से लगभग 500 छोटा सिलेंडर ये भर चुके हैं और लगातार ये भर रहे हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्या करेंगे जब प्रमाण प्रत्यक्ष के बारे में गलत दे दिया जाता हो। आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार को एक जवाब में बताया है कि बिहार में ऑक्सीजन से कोई भी मौत नहीं हुई है। ऐसा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा एक प्रश्न के जवाब में। उन्होंने कहा है कि भारत के किसी भी राज्य में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, ऐसा राज्यों का रिपोर्ट है, जिसमें से एक राज्य बिहार भी है। तो हम बात बिहार की ही करेंगे। क्या सच में बिहार में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है? क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं आप कि एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए जिस तरह से आप रास्ते पर भटक रहे थे, 28,000 30,000 40,000 ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर का पे करके भी अपनों को आप बचा नहीं सके, उसके लिए क्या ये तोहमत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं कि कोई भी मौत नहीं हुई है? तो क्या जो लोग मर रहे थे, क्या खुद का नाक मुंह दबाकर मर रहे थे? कैसे मर रहे थे? वो आत्महत्या कर रहे थे? क्या हो रहा था उनके साथ? ये रोड पे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग भटक रहे थे, गुलबी घाट, पटना की अगर बात करें तो बांस घाट पे, जिस तरह से एक एक दिन में 60-60 मौत, 70-70 मौतें हो रही थी, वो किस वजह से हो रही थी? ऑक्सीजन के जो लंगर चला रहे थे लोग, वो किसके लिए चला रहे थे? किस तरह से वो मदद कर रहे थे? ये सिर्फ मरने वालों के साथ नाइंसाफी या फिर उनके साथ जाती नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ भी है जो उस पेंडेमिक में बाहर आकर अपने पैसों से मदद कर रहे थे। वो अपने धन से मदद कर रहे थे, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के जो बांट रहे थे गरीबों में, वो क्या फोकट का था? वो किस लिए था? वो ऐसे ही लो भाई ऑक्सीजन लगा लो, वैसे काम नहीं चल रहा, सिलेंडर लगा कर ऑक्सीजन लो, किस लिए कर रहे थे? इस तरह से बर्ताव कैसे सरकार कर सकती है? वैसे आप सरकार से क्या ही उम्मीद करेंगे? बिहार सरकार का ये पहले दफा नहीं है झूठ बोलने का। इन्होंने, आपको पता है कि यहाँ के जो बिहार के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने पटना हाईकोर्ट में भी बक्सर के किनारे जो नदी में बक्सर में मौत के डेटा है उसको लेकर झूठ बोला था। उन्होंने 6 मौत कहा था, और पटना के सब डिविजनल क्लर्क जो हैं, कमिश्नर हैं, उन्होंने 789 मौत की पुष्टि की थी, तब भी उन्हें कोर्ट से लताड़ लगा था। और अब भी जब इस बात को कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आने से पहले सारी तैयारियां हो गई हैं, बिहार सरकार आए दिन आपने सुना होगा कि दावे करते मिलेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग गए, यहाँ लग गए हैं, थर्ड वेव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्या आपको इस बात पे यकीन है? कम से कम पटना हाईकोर्ट को तो नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने सवाल दागा है सरकार से कि जिस तरह से आपका बर्ताव है, जिस तरह से आपकी तैयारियाँ हैं, हमें नहीं लगता कि आपने पूरी तरह से थर्ड वेव के लिए तैयारियाँ कर रखी हैं। तो ये शक पटना हाईकोर्ट को भी है, लेकिन क्या जो सरकार इतनी झूठ बोल चुकी है अब तक, आपको उस पर भरोसा है क्या? तो ऐसे में अगर थर्ड वेव आती है तो कितना उम्मीद किया जा सके इस सरकार से? क्योंकि सबसे पहले किसी चीज़ को होता है कि ज़रूरी कि एक्सेप्टेंस हो कि नहीं इस तरह से हुई है। जब सरकार एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है कि इतनी मौतें हुई थी और इस वजह से हुई थी, तो उसका समाधान क्या ही हो? तो चलिए अगले मुद्दे महंगाई की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने महंगाई को लेकर इस हफ्ते बयान दिया है, और बयान क्या है सुनिए जरा। पहले ईमानदारी से आपको बता देते हैं कि रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया। लेकिन आप जो सुझाव दे रहे हैं तो इस पर तो परामर्श किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है, आपस में पहले हम लोग बात करेंगे, अपने यहाँ बिहार में आपस में पहले बातचीत करेंगे, इसके बाद इसका क्या रास्ता है, किस तरह से लोगों को राहत मिल सकती है, उस पर गौर करेंगे। अभी तक नहीं देखे, ये अखबार में छपता है, रोज़ देखते हैं कि इसकी कीमत बढ़ रही है।
ये तो देखते हैं लेकिन ये हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इस पर कभी क्या करना चाहिए, इस पर अभी हम लोग नहीं सोचे, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम लोग आपस में थोड़ा बातचीत करेंगे, देखेंगे। सुना आपने, साहब कह रहे हैं कि ईमानदारी से कहिए तो अभी तक उन्होंने सोचा ही नहीं है। वाह, अब कब सोचेंगे साहब, ईमानदारी से ये भी बता दीजिए। मतलब इतने दिनों से खबर छप रही है, इतने दिनों से लोगों का हाल बुरा है, वैसे भी बिहार में जहाँ मजदूर कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा गरीब तबका के लोग हैं, उनके बारे में उनका मुख्यमंत्री कहे कि ईमानदारी से अभी तक सोचा ही नहीं है। ये ईमानदारी नहीं है साहब, ये बेशर्मी है आपकी जो कह रहे हैं कि अभी तक सोचा ही नहीं है। कब तक सोच लेंगे ये भी बता दीजिए, या सोचेंगे भी या नहीं बता दें। आपको 26 तारीख से बिहार में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर विपक्ष ने कमर तो कसी ली है। अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर क्या जवाब देती है, ऑक्सीजन को लेकर जो बेशर्मी दिखाई है या फिर महंगाई को लेकर जिस तरह से चल रहा है उस पर क्या रिएक्शन आता है। वैसे इन सब मुद्दों को लेकर, बिहार सरकार के रवैये को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले और भी सच बिहार की रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।